आज का टॉपिक है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। इससे एग्जाम में क्वेश्चन फॉर श्योर बनता ही बनता है, इसलिए हम लोगों को इस चैप्टर पे भी कमांड होना नेसेसरी है। सो आपको क्वेश्चंस बोर्ड पे मिल जाएगा, मैं करवा रही हूँ एंड यू कैन ट्राई एज वेल। तो पाउज करके आप भी ट्राई कर सकते हो, अगर किसी को डाउट है यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, क्या संसदीय विधान परिषद के चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए? तर्क, हाँ, सामान्यतः 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपनी क्षमता तथा इच्छा शक्ति खो देते हैं। दूसरा, नए व्यक्तियों का जीवन काल बढ़ गया है तथा व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र तक भी शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। तो यहाँ स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या अपर एज लिमिट 65 वर्ष कर देना चाहिए संसदीय विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या किसी भी इंसान का उसके कैपेबिलिटी को उसके मेंटल कैपेबिलिटी से जज कर सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है कि हाँ अगर कोई 60 वर्ष का है तो वो सोचने समझने का शक्ति खो देता है, या कोई 80 वर्ष का तभी वो सोच रहा है, ऐसा कुछ नेसेसरी तो नहीं है। हम लोग ऐसा जजमेंट नहीं कर सकते कि किसी के भी आदमी का कैपेबिलिटी उसके मेंटल कैपेबिलिटी से जज किया जा सके या कंपेयर किया जा सके। इसीलिए यहाँ पे दोनों ही जो तर्क है दोनों ही गलत हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा नीदर वन नॉट टू होल्ड स्ट्रॉन्ग। हमें क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ग्रामीण भारत में कृषि का मशीनीकरण होना चाहिए? तर्क, हाँ, क्योंकि इससे अधिक उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा, नहीं, इससे बहुत से ग्रामीण वासी बेरोजगार हो जाएंगे। तो मशीनीकरण बढ़ाने से किसी ग्रामीण क्षेत्र में क्या हायर प्रोडक्शन नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा कि अगर मशीनीकरण बढ़ा देते हैं हम लोग तो हायर प्रोडक्शन होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्योंकि अगर मशीनरी फिट मान लेते हैं कंपनी हम स्टेब्लिश कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा मशीनरी स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना कि एम्प्लॉयमेंट घटेगा। सो यहाँ पे ओनली आर्ग्यूमेंट वन होल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वन होल्ड्स स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, क्या लड़कियों को जूडो कराटे जैसी कला सीखनी चाहिए? तर्क, हाँ, या उन्हें बदमाशों के विरुद्ध आत्मसुरक्षा में सक्षम बनाएगा। दूसरा, नहीं, इससे वह अपनी स्त्री अनुग्रह खो देंगी। तो क्या कोई लड़की आर्ट्स लाइक कराटे और जूडो सीखती हैं तो क्या उनका स्त्री होने का जो अनुग्रह होता है वो खो देती है? ऐसा तो नहीं है। तो अगर कोई लड़की है उसको अगर सिखा दिया जाता है जूडो कराटे वगैरह तो उनका सेल्फ प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, डिफेंस हो जाता है उनके पास। एक अगर उनके पास कोई भी ऐसे लोग आते हैं जो उनको हार्म करना चाहते हैं, दे कैन प्रोटेक्ट देम सेल्व। तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट वन होल्ड स्ट्रॉन्ग ओनली। क्वेश्चन है, क्या सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देनी चाहिए? तर्क, हाँ, या नेताओं को सबक सिखाने के लिए आवश्यक है। नहीं, इससे प्रजातंत्र का अंत होगा। क्या अगर पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया जाए सॉरी तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। अब यूथ जो है आजकल के यंग जनरेशन है वो भी चाहेंगे तो अपना पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं इंडिपेंडेंटली, वो भी चाहेंगे तो खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में। इसलिए इसको प्रजातंत्र का अंत नहीं कह सकते हम लोग, या तो ये कोई बिल्कुल भी बेतुका हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करके हम लोग किसी भी लीडर को सबक सिखा सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता। इसलिए नन ऑफ देम होल्ड स्ट्रॉन्ग। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी शिक्षित बेरोजगारों को सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए? तर्क, हाँ, या उन्हें नया रोजगार प्राप्त करने या स्वतः रोजगार प्रारंभ करने की में आर्थिक मदद करेगा।
दूसरा नहीं या बेरोजगार युवाओं का जीवन यापन करने में मदद करेगा जिससे उनमें नकारापन उत्पन्न होगा। स्टेटमेंट है कि क्या गवर्नमेंट को भत्ता देना चाहिए शिक्षित बेरोजगारों को, तो आर्ग्यूमेंट 1 है कि हाँ उससे उनको नया एस्टेब्लिशमेंट करने में, आर्थिक नया कोई अगर बिजनेस है या कुछ भी सेटअप करने में हेल्प मिलेगा, और दूसरा है कि उसमें नकारापन उत्पन्न होगा। बहुत सारा बहुत क्राउड होने के कारण, बहुत ज़्यादा एक फील्ड में बहुत ज़्यादा क्राउड होने के कारण बहुत सारे लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता गवर्नमेंट हो या कुछ भी, तो इससे हेल्प तो ज़रूर मिलेगा अगर गवर्नमेंट पैसा दे रहा है तो, लेकिन इससे उनको इडल भी बना देगा और उनके अंदर का जो एफिशिएंसी है वर्क करने का वो कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे दोनों ही होल्ड स्ट्रांग होगा, दोनों ही आर्ग्यूमेंट सही है, दोनों ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, इसलिए बोथ 1 एंड 2 होल्ड स्ट्रांग। एम आई क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड रिलीजन बी बैन? ये है स्टेटमेंट है, क्या धर्म को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? तर्क, हाँ यह लोगों में कट्टरपंथी को बढ़ावा देता है। दूसरा, नहीं धर्म लोगों को एकता प्रदान करता है। तो यहाँ क्या है कि अगर रिलीजन रिलीजन को बैन करना चाहिए, यानी आर्ग्यूमेंट है और सॉरी स्टेटमेंट है, आर्ग्यूमेंट है कि इससे कट्टरपंथी लोगों में जागृत होता है और दूसरा इससे उनको एकता मिलता है। तो सही है, एकता तो मिलता है, रिलीजन्स हम लोगों को बांध के रखता है, सही है ये तो। बट दूसरे ही साइड ऑन द सेम हैंड अगर हम लोग देखें तो इससे कट्टरपंथी भी उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं यार सिख हिंदू मुस्लिम जो भी हैं वो अपने अपने रिलीजन के थ्रू कट्टरपंथी में आ जाता है, वो दूसरे धर्म के लोग को नहीं देखना चाहते या दूसरा रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, ऐसा ऐसा भी मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, भेदभाव बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे इधर 1 और 2 होल्ड्स स्ट्रांग हो जाएगा। सो आई एम वेरी क्लियर टू यू ऑल? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो गो थ्रू दीज क्वेश्चंस अगेन, बिकॉज जिनसे नहीं बना, जिनको थोड़ा भी टफ लगा या जिनको कुछ भी प्रॉब्लम है, कैन ड्रॉप अ कमेंट, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।